नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, आज एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं कि पप्पू का ऐसा षड्यंत्र है जो ये बना रहा है, और इतना भयंकर षड्यंत्र है कि जिसको समझने की जरूरत है 2024 के इलेक्शन से पहले। और इन्होंने यही काम 2004 में भी किया था। अब आपको 2004 का जो इलेक्शन है, जो वाजपेयी जी हार गए थे, वो आपको याद होगा। वो परिणाम वाले दिन ऐसा झटका पूरे देश को लगा था जो ना तो आप भूल सकते हो ना मैं भूल सकता हूं। हम सबको ये लगता था कि वाजपेयी जी ही जीतेंगे, लेकिन वो हार गए इतना काम करने के बाद भी। और 10 साल हमने काला टाइम देखा है कांग्रेस का, रिमोट कंट्रोल की सरकार, और ये पोल डांसर ने सारे देश को पोल के ऊपर नचा के रख दिया था। और सारे ओपिनियन पोल 2004 में एक ही बात बोलते थे जो आज भी बोलते हैं। सारे सर्वे, सारे राजनीति के जो पंडित हैं, वो एक ही बात बोलते थे कि वाजपेयी जी का कोई अल्टरनेटिव देश के अंदर है ही नहीं। और ये जो इसको बोलते थे टीना, TINA, देर इज नो अल्टरनेट टू वाजपेयी जी। और ये ऐसा फैक्टर की बात करते थे कि एक ही, ये सभी ने एक ही बात बोलनी शुरू कर दी थी, वाजपेयी जी ही जीतकर निश्चित तौर पर आएंगे। अब आप इसको कंपेयर कीजिए आज के टाइम के साथ। आज भी एक ही बात बोलते हैं, मोदी के खिलाफ किसी की औकात नहीं है खड़े होने की, मोदी के खिलाफ कोई अल्टरनेट नहीं है, विपक्ष के पास कोई आदमी नहीं है, चेहरा नहीं है, ये आपस में लड़े हुए हैं। यही सारी बातें 2004 में भी इन्होंने करी थी। इसके साथ साथ एक काम और किया था, वाजपेयी जी के खिलाफ इन्होंने कोई ना कोई फेक एजेंडे चलाने शुरू कर दिए थे, पहलका न्यूज़पेपर के थ्रू, जिसका खुलासा अभी हुआ है कि उन्हें ये काम करने के लिए बोला गया था, जबकि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी कि वाजपेयी जी ने पैसे खाए थे या हमारी आर्मी के लोगों ने पैसे खाए थे। अब इन्होंने और एलिगेशन लगाए थे कांग्रेस की तरफ से। अभी आज की डेट पे भी वही स्टोरी दोबारा चल रही है। कभी बोलेंगे कि ये राफेल में पैसे खा लिए, कभी अदानी से खा लिए, और सेकेंडली एक तरफ तो करप्शन का मोदी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, दूसरी तरफ एक काम और किया, और वो काम ये है कि मीडिया में एक ही बात है, आएगा तो मोदी ही। ये बार बार बोला जाता है कि अब इनको हराना मुश्किल है। अब होता क्या है, इस निश्चिंता के कारण एक ऐसी हवा चलती है जो 2004 में भी, चार में भी चली, कि जो मिडिल क्लास का जो वोटर्स है वही जाता है वोट डालने के लिए, वो वोट देने निकला ही नहीं। और सोनिया गांधी एक यू नो चुनाव जीत गई 2004 के अंदर। यही गलती वाजपेयी के टाइम पे हुई थी, वही गलती इस बार दोबारा से होने के पूरे चांसेस हैं। उस वक्त सोनिया की जो ये जीत थी, इसके इसका एक ही निचोड़ निकला था कि सामान्य वोटर्स बाहर निकला नहीं। और सोनिया गांधी जानती थी कि ये आलसी लोग होते हैं, अगर इन्हें पता लग जाए कि भाई हमारा नेता जीतने वाला है, वो बाहर निकलता ही नहीं है। और इसलिए इन्होंने एक ऐसी हवा निकाली बाहर कि भाई आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, आपका नेता तो जीता पड़ा है। और यही काम ये अभी भी कर रहे हैं मोदी जी के लिए। अब मुझे बताइए, अब एक और चीज है, इनकी चालें समझिए अब राहुल गांधी की, फिर आप समझ जाएंगे कि रणनीति इनकी क्या है। पहले इन्होंने बोला कि वाराणसी में प्रियंका वाड्रा वो खुद चुनाव लड़ेंगी मोदी के खिलाफ, ये इन्होंने खबर को फैला दिया। फिर जिस दिन मोदी जी का रोड शो था वाराणसी में, उससे एक दिन पहले प्रियंका के पीछे हटने की घोषणा कांग्रेस ने कर दी, और ये दिखा दिया कि कांग्रेस मोदी से डरी हुई है, और एक ऐसा संदेश दिया वोटर्स को कि आएगा तो मोदी ही। और ये क्या हुआ, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो पिछली बारी इनका जो नेता हारा था अजय राय, उसको खड़ा कर दिया मोदी के खिलाफ, उसकी घोषणा कर दी। बसपा है, बसपा है, इन्होंने भी काशी में जो मेयर के चुनाव है उसमें हारे हुए उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। आप देखते जाइए एक सारी इनका गेम प्लान कैसे चल रहा है। और जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं, वो संजीव श्रीवास्तव हो, नलिनी सिंह हो, निर्जा चौधरी हो, या जो कांग्रेस के समर्थन के लोग हैं सुमन रमन जैसे, ये अचानक एक ही बात बोल रहे हैं, मोदी की जीत तय है। और इसका इंडिकेशन उन्होंने बार बार अपने वीडियोस में देना शुरू कर दिया।
और जो कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं और जो गांधी परिवार के करीबी हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने भी पी चिदंबरम की फेवर में बोलने वाले लोग, इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई प्रियंका गांधी को पीछे हटना हटने की सलाह देने शुरू कर दी और उसे पीछे हटने के लिए बोल दिया और साथ में स्टेटमेंट भी देने शुरू कर दिए कि भाई हम पीछे हट रहे हैं और इसके लिए कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज की जाएगी। यानी कि ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका और कांग्रेस मोदी से डरी हुई है क्योंकि मोदी ने जीत कर आना ही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ अचानक अपने आप हो रहा है या फिर कोई योजना के तहत ये सारे जो चुनावी रणनीति है उसका ये पार्ट है ताकि जो वोटर्स है वो खुश हो जाए और वो खुशी खुशी में वोट देने जाए ही नहीं। क्या ये वो प्लान नहीं है जो 2004 में भी ये सफल हो गए थे और ये प्लान सोनिया गांधी का खुद का बनाया हुआ था। पप्पू के तो बस की बात नहीं है प्लान्स को बनाना, ये सोनिया की चाल थी। अब याद रखिए जो वाजपेयी थे वो इसलिए नहीं हारे थे कि वो पॉपुलर नहीं थे, बल्कि वो इसलिए हारे थे कि जो मिडिल क्लास वोटर है उसको जीत निश्चित दिखी और वो छुट्टियां मनाने चला गया और वोट देने निकला ही नहीं। और जो मोमिन थे उन्होंने अपना नेता चुन लिया जिसका नाम था सोनिया गांधी। और वो कहानी आपने सुनी होगी जो हमने बचपन में सुनी है कि एक राजा ने अपने राज्य को अकाल से बचाने के लिए एक अनुष्ठान किया था और एक सन्यासी ने राजा को बोला कि अगर सारी जाति जो आपके जनजातियां हैं जिसकी ये सारी जो आपकी पॉपुलेशन है कंट्री की, अगर वो सारी इसका भागीदारी बनेगी अनुष्ठान की तो ये अकाल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि राज्य का हर व्यक्ति अगर यदि कुएं में से एक लोटा दूध कुएं में एक लोटा दूध का डालेगा तो यहाँ पर अकाल खत्म हो जाएगा। तो राज्य में ये मैसेज पहुंचा दिया गया। अब सब लोगों ने सोचा कि सभी वहां पे दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल देता हूं तो फर्क क्या पड़ेगा, किसी को क्या पता लगना है। और ये चीज सभी ने यही सोची और अल्टीमेटली हुआ क्या, कुएं के अंदर दूध निकला ही नहीं सिर्फ पानी निकला और वो अनुष्ठान विफल हो गया था। यही सोचकर कांग्रेस यही सोच पैदा भी कर रही है और ये पैदा करना भी चाहती है कि मोदी की सरकार तो निश्चित ही आएगी, फिर यदि एक आदमी वहां पर वोट देने नहीं भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। ये लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आना शुरू कर दिया। कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो बोलते हैं यार आएगा तो मोदी ही, आप चिंता क्यों करते हो। चिंता इसलिए है बिकॉज ये जो षड्यंत्र है पप्पू का पोल डांसर का, ये आप समझ नहीं पा रहे हो। ये ऐसा भयंकर षड्यंत्र है जिसको आपको समझना पड़ेगा और ये भी जान लें कि मोदी की सरकार तो निश्चित तभी होगी जब हम सब अपना अपना वोट वहां पर खुद देने जाएंगे, घर से निकलेंगे और अपने दोस्तों को परिवार वालों को पड़ोसियों को भी साथ में लेकर जाएंगे, कहीं वो भी दूध की बजाय वो पानी का लोटा लेकर ना बैठ जाएं कि बाकी जा रहे हैं मुझे देने की जाने की जरूरत क्या है। आपको अपना अपना एक लोटा दूध इस यज्ञ में डालना ही पड़ेगा अगर आप राष्ट्र के लिए एक कर्तव्य आपके दिमाग में है, क्योंकि वोट देना भी एक देशभक्ति है, वो भी एक हमारा कर्तव्य है। मेरी बात आपको ना आज कांट बांधनी पड़ेगी आपको कि भाई जो 2004 में हमने गलती करी उसके कारण 10 साल हमने काला टाइम देखा और देश हमारा कभी भी लुढ़क सकता था, फ्रेजाइल 5 में आ गए थे हम लोग। और ये देश का ये हाल था कि दुनिया ने जो सक्सेस स्टोरी थी भारत की उसको सोचना ही बंद कर दिया, हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और उसी 10 सालों में चाइना 3 ट्रिलियन से 15-16 ट्रिलियन पे पहुंच गया। आप सोच के देखिए जितना जितना भारत को इन्होंने कमजोर किया उतना ही इन्होंने कांग्रेस ने चाइना को शक्तिशाली बनाया और आज चाइना आंख में आंख डालकर बात करता है पूरी दुनिया के साथ। क्यों? क्योंकि वो नींव उसकी स्ट्रांग बन गई उस 10 सालों में। दोस्तों ये जो षड्यंत्र है ये इतना भयंकर है, इसको समझें और अपने आप को निश्चित करने से जो अपने दिमाग में अपने निश्चित कर लिया कि चिंता मत करो आएगा तो मोदी ही, इस कीड़े को आपको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इतना बड़ा षड्यंत्र है ऑपोजिशन की तरफ से, स्पेशली कांग्रेस की तरफ से
और हमारे लिब्रांडुओं की तरफ से। आपको राष्ट्रवादी जितने भी चैनल्स हैं वो आपको आगाह करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे और कितने चैनल वालों से बात होती है, सभी एक ही बात कर रहे हैं कि जो लोगों के दिमाग में ये बात आती जा रही है कि आएगा तो मोदी ही, इसे बाहर निकालने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आप इस षड्यंत्र में फंस मत जाना, ये मेरी गुजारिश है। और अगले व्लॉग में मैं दोबारा बात करूंगा पप्पुओं के और षड्यंत्र की जो ये रच रहे हैं या रचने वाले हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.